हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। मॉर्टल कॉम्बैट मूवी की ओवरऑल लेंथ 1 आवर 47 मिनट की, और ये मैंने इंग्लिश में देखी क्योंकि इंग्लिश में ही अवेलेबल है। खैर, अगर आप लोग मॉर्टल कॉम्बैट के इस पर्टिकुलर यूनिवर्स से फेमिलियर नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि मूवी एक वीडियो गेम पर बेस्ड है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो वीडियो गेम खेलता होगा और उसने अपनी लाइफ में कभी भी मॉर्टल कॉम्बैट ये गेम नहीं खेला होगा। तो भले समझ में कुछ ना आए, लेकिन हम लोग कभी ना कभी इस पर्टिकुलर गेम को खेले ही है। तो बस उसी गेम का ये एक लाइव एक्शन मूवी है। खैर, इस पर्टिकुलर यूनिवर्स में अलग अलग रैम्स है जो कि आपस में भिड़ते एक टूर्नामेंट में, और उस टूर्नामेंट का नाम है मॉर्टल कॉम्बैट। बात करें इस मूवी के प्लॉट की, जो कि शुरू होता है 1617 जापान से, जहाँ पर हम एक निंजा नज़र आता है जो कि अपनी फैमिली के साथ अर्थ पर रह रहे, लेकिन तभी उनका दुश्मन बी हैन वहाँ पर आ जाता है और उस पूरी फैमिली को ख़त्म कर देता है। लेकिन किसी तरह से हेंजो हेसीसी की बेटी उस इंसिडेंट में बच जाती है। खैर, अब इन सारी चीज़ों को काफ़ी साल हो चुके और प्रेजेंट टाइम में जो रैल्प ऑफ आउटवर्ल्ड यानी कि जो ईविल रैल्प है वो 10 में से 9 टूर्नामेंट जीत चुकी है, और अब मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट आने वाला है। तो इस आउटवर्ल्ड रैम्प का शैंग टीशैंग, जो कि एक ईविल सोल ईटर जादूगर है, वो अपने वॉरियर सब जीरो को, जो कि सबसे खास वॉरियर है, उसको अर्थ पर भेजता है ताकि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जितने भी अर्थ रैल्प के जो नए चैंपियंस हैं जिनके ऊपर एक तरह का ड्रैगन मार्क है उसको ढूंढ के ख़त्म करो, ताकि हम लोग टूर्नामेंट से पहले ही जीत जाए। तो अब ऐसे में सब जीरो क्या करता है और अर्थ के जो नए चैंपियंस हैं वो किस तरह से इन ईविल जादूगर या ईविल वॉरियर से भिड़ते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मॉर्टल कॉम्बैट। खैर, अब बात करेंगे इस मूवी की, तो यार एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मॉर्टल कॉम्बैट फ़िलहाल तो सिर्फ एक स्टार्टर है, मेन कोर्स अभी आना बाकी है। यानी कि यहाँ पर आपको मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट का नाम सुनने को मिलेगा, लेकिन वो टूर्नामेंट देखने को नहीं मिलेगा। बट इस तरीके से इस मूवी को एग्जीक्यूट किया है, अगर एज पर इंडियन ऑडियंस मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपको कोई भी फालतू के सीन्स नहीं पता जिस वजह से मूवी ड्रैग होते हुए नजर आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मूवी को एकदम कट टू कट रखा है, और यहाँ पर जितना हो सके एक्शन सीक्वेंसेस बताए जिससे ऑडियंस जो ब्लडशेड देखने जाती है, जो इस तरीके के वॉयलेंस से रिलेटेड मूवीज देखना पसंद करती, तो उनके मतलब की ये मूवी बनाई। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिविटी है कि इन सारी चीज़ों की वजह से जो एक इमोशनल टच होता है ना, यानी कि वो कैरेक्टर को डिटेल में बताना और जो को अच्छे से क्रिएट करना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है, और ये इस पूरी मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। फोटोग्राफी की बात करेंगे तो हर एक सीन को बहुत ही अच्छी तरह से शूट किया है, लोकेशंस बहुत बढ़िया है, VFX बहुत ही बहुत ही बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, और जितने भी फाइट सीन्स हैं उसको बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन किया, कोरियोग्राफ बहुत ही शानदार किया, और हर एक सीन देखकर आपको बहुत मजा आता है। अगर मूवी के BGM की बात करो तो यार गजब का BGM है। समझ लो कि एक सुपर हीरो की आप मूवी देख रहे हो, जैसे कि एवेंजर्स हो या DC की जस्टिस देख रहे हो, तो उस लेवल का BGM आपको यहां पर सुनने को मिलता है, जो एक अलग वाली फीलिंग देता है। और कहीं ना कहीं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इसका BGM इतना ज़्यादा थ्रिलिंग होगा। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो हर एक एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया, और मूवी में आपको कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जो पर्सनली आपके फेवरेट बन जाएंगे, जैसे कि स्कॉर्पियो या फिर सब जीरो, और जो नए चैम्पियंस हैं उनमें मुझे कुछ खास अभी फ़िलहाल तो कह सकते हो कि वो एक बात नज़र नहीं आई जिसकी वजह से आप उनको पसंद करने लगो, लेकिन हाँ अगर सेकंड पार्ट बनेगा तो उसके बाद हमको थोड़ा बहुत और उन कैरेक्टर्स के बारे में जानने को मिलेगा, तो शायद हम लोग उनको पसंद करने लगे। इस पर्टिकुलर मूवी में कुछ ऐसी अननेसेसरी फ़नी जोक्स क्रैक करने की कोशिश की है जिसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता, और वहाँ पर वो सीन्स आपको एकदम अलग थलग से लगता है, ऐसा लगता है कि वो इस पर्टिकुलर मूवी से बिलोंग ही नहीं करते। और जितना भी वो जो फ़नी पोर्शन है ना, वो यहाँ पर कैनो नाम के एक कैरेक्टर को दिया है जो कि मुझे कहीं से भी फ़नी नहीं लग रहा था। खैर, मूवी की एडिटिंग अच्छी तरह से की गई है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसने कुछ हड़बड़ी में काट दिया, यानी कि चीज़ों को थोड़ा और बताता तो देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आता। डायरेक्शन मुझे ठीक ठाक लगा, ज़्यादा बेटर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ स्टार्टिंग के हिसाब से अच्छा है, और स्टोरी के लिए तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यार मूवी काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। जैसे कि मूवी स्टार्ट होती है, उसके बाद जैसे सीन्स आगे बढ़ते वैसे वैसे आपकी जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो बढ़ती जाती है, और वो सारी चीज़ें भी होती जाती है जो आप लोग सोच रहे हो, लेकिन फिर भी ये मूवी आप लोग इस वजह से देखते हो क्योंकि एवरी वन लव्स
मॉर्टल कॉम्बैट पेरेंटल गाइडेंस पे इतने कह सकते हो कि मूवी में एडल्ट सीन कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन जो वॉयलेंस के सीन्स है वो है, ब्लड शेड बहुत है, तो इस हिसाब से ये आप अपनी फैमिली के साथ मत देखना। हाँ, अकेले में बिंदास देखो, बहुत ही ऑसम मूवी है, बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी है। मैं इसको रेटिंग दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। इसका सेकेंड पार्ट हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा, जिसमें चीज़ें हमें और भी ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी, और भी नए चैंपियंस देखने को मिलेंगे, और एक बड़ी आर्मी देखने को मिलेगी। तो यार बस इस वीडियो में इतने, आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर आप लोगों ने मॉर्टल कॉम्बैट मूवी देखी है तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।